स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ब्रोकर के बारे में कि आप ट्रांसपोर्ट ब्रोकर बेस्ट कैसे बन सकते। बेस्ट मतलब जब भी मैं बेस्ट की बात कर रहा हूँ आजकल वीडियो में, तो आप समझ जाइए कि ज्यादा कमाई की मैं बात कर रहा हूँ कि आप ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर आप ट्रांसपोर्ट ब्रोकर बनते हैं जहां पे आप पर ट्रक पे 1,500 रुपये कमाते हैं, आप उस ट्रक पे 3,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। क्योंकि ये दोस्तों मार्केट जो है हर तरह के बिजनेस से भरा पड़ा है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक बिजनेस में, तो यहाँ पे हर कोई अलग ढंग से बिजनेस करता है, अपने अपने तरीके से बिजनेस करता है। हर किसी का बिजनेस करने का तरीका कुछ सेम हो सकता है, बट हर एक बिजनेसमैन में कुछ ना कुछ यूनिक चीजें होती है जो कि वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए करता है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि वो यूनिक चीज आप अपने बिजनेस में क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपका बिजनेस जहां पे कि आप पर ट्रक पे 1,500 रुपये कमाते हैं, उस जगह पे आप अपने ट्रक से तकरीबन 3,000 रुपये तक कमा सके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते उसके बाद आप उस वीडियो से रिलेटेड या फिर अलग अलग क्वेश्चंस हमारे वीडियोज में कमेंट में पूछते रहते हैं, जबकि उसकी जानकारी वीडियो के अंदर होती है। बहुत सारे लोग तो मुझे ये भी बोलते हैं कि सर आप कमेंट का जवाब नहीं देते, बट अगर आप वीडियो पूरा देखिएगा तो कमेंट करने की जरूरत ही नहीं होगी, आपके क्वेश्चन का आंसर हमारे किसी ना किसी वीडियो के अंदर जरूर है। क्योंकि हमारे चैनल पर तकरीबन 350 वीडियो आज के डेट में लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन से ही भरा पड़ा है। तो दोस्तों बात करते हैं बेस्ट ब्रोकर की कि बनता कैसे, किस तरह से आप काम कर सकते हो। तो आप एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप मुंबई के एरिया में बैठे हुए और मुंबई से आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है, तो दोस्तों जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि जब भी उनको ट्रक चाहिए होता है तो उनके नियर बाय जो भी फ्लीट ऑनर होते हैं या फिर उनके कॉन्टैक्ट में जो दूसरे ब्रोकर्स होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे ट्रक लगवाते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि जैसे राम प्रसाद कोई बंदा है जो बॉम्बे में बैठा है, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, एक फ्लीट ऑनर है प्रकाश करके, जिसने ट्रक खरीद रखा है, उसने दे रखा है राम प्रकाश को ट्रक अपना चलाने के लिए। अब एक विभास करके बंदा है जो कि ब्रोकर है बॉम्बे में ही, अब उसको जब ट्रक चाहिए होता है वहां से मानते कि बॉम्बे से कलकत्ता के लिए चाहिए होता है, तो वो क्या करता है कि जो राम प्रकाश बंदा बैठा है उन्हीं में से किसी से कांटेक्ट करता है, क्योंकि प्रकाश तक जो है एक्चुअल कांटेक्ट बहुत लोगों का नहीं हो पाता। मैं सही में अगर आपको बताऊं तो मार्केट में जितने भी लोग ट्रक ड्राइव करते हैं, जितने लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करते हैं, एक्चुअल मालिक तक बहुत ही कम लोगों का कांटेक्ट होता है। हमेशा कांटेक्ट जो उनका होता है वो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, तो इसलिए जो एक्चुअल में प्रकाश है वहां तक आप पहुंचे नहीं, आप पहुंचे कहां, राम प्रकाश तक। राम प्रकाश से जब आप ट्रक ले रहे हो तो आपको वहां पे बचत हो रहा है कितना, 1,500 रुपये। ये एक्चुअल में मार्केट सिनेरियो जिस तरह से आज मार्केट काम कर रहा है। बट अब हम बात करते हैं कि 3,000 रुपये कैसे बचेगा। तो 3,000 बचाने के लिए दोस्तों क्या करना है उसको ध्यान से सुनिए, दो तरीका, दोनों तरीकों को ध्यान से सुनिए तभी आपका वो काम हो सकता है। अब हम बात इसे कर रहे थे कि प्रकाश जो कि ट्रक मालिक है, राम प्रकाश उसके ट्रक को चलवाता है और विभास जो बंदा उसने उस ट्रक को लिया। अब यहाँ पे विभास क्या किया, राम प्रकाश से ट्रक लिया और उसको भेज दिया कलकत्ता के लिए, वो ट्रक पहुंचा कलकत्ता। अब जब ट्रक को कलकत्ता से लोड होना है तो कलकत्ता के अंदर अगर कोई ब्रोकर जो बैठा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ब्रोकर का जो काम कर रहा है, वो अगर कॉन्टैक्ट प्रकाश से करेगा तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, जो कि आज के डेट में मार्केट में नहीं होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये चीज आज के डेट में मार्केट में नहीं हो पाता है। उनका कॉन्टैक्ट जो है किससे होता है ज्यादा करके, राम प्रकाश से, क्योंकि राम प्रकाश ही उस ट्रक को अटैच करके मार्केट में रन करवा रहा है। तो इसीलिए जहां पे कि कलकत्ता में बैठे हुए ट्रांसपोर्ट ब्रोकर जब वो ट्रक को लोड करवाएगा तो 1,500 रुपये का ही मान लेते कि कमीशन मिलता है, क्योंकि जो बाकी का 1,500 रुपये है
वो राम प्रकाश को भी तो कमाना है, क्योंकि वो ट्रक उसका नहीं है, वो ट्रक प्रकाश से लेकर के चला रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1,500 रुपया राम प्रकाश कमाता है 1,500 रुपया, और 1,500 रुपया जो है वो आपका कलकत्ता का ब्रोकर कमाता है। अब तरीका यहाँ पे है कि उसको आप 3,000 तक कैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना पड़ता है रिवर्स मैकेनिज्म पे बिजनेस, रिवर्स लॉजिस्टिक का आप नाम सुने होंगे बहुत सारे बिजनेस में, अपने इस इंडस्ट्री में बहुत लोगों से, अगर आप इस इंडस्ट्री में पुराने और थोड़ा प्रोफेशनल है तो रिवर्स लॉजिस्टिक जो है इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इस पे बिजनेस कर रहे हैं आज के डेट में। तो एक्चुअल में आपको रिवर्स मैकेनिज्म पे अपना बिजनेस लेकर के जाना पड़ेगा, तभी आप वहां पे जहां पे 1,500 रुपये कमाते हो वहां पे 3,000 रुपये कमाओगे। कैसे, अब उसको हम बताते हैं। जैसे कि आप कलकत्ता में बैठे हो, आपको क्या करना है, कांटेक्ट बनाना है प्रकाश से। अब प्रकाश से तो आपका कांटेक्ट ऐसे बनेगा नहीं, तो आपको वहां पे जो ड्राइवर है, ड्राइवर से आपको कांटेक्ट पहले 5 महीने 6 महीने 1 साल तक बनाना पड़ेगा। तब तक आपको थर्ड पार्टी मतलब कि राम प्रकाश जैसे जो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए, इन लोगों के साथ आप काम कर सकते हो। जैसे जैसे आपका ड्राइवर के साथ कॉन्टैक्ट होगा, वैसे वैसे ही आपका मालिक के साथ भी कॉन्टैक्ट बनता जाएगा। क्योंकि अगर आपका ड्राइवर के साथ कॉन्टैक्ट होता है तो वो बंदा आपको मालिक का डिटेल देगा, क्योंकि आप जो पेमेंट करोगे वो मालिक के अकाउंट में करोगे, ना कि ड्राइवर के अकाउंट में करोगे। ये थोड़ा सा गलत भी हो जाता है अगर आप ड्राइवर के अकाउंट में पेमेंट कर रहे हो। तो जब आप मालिक के अकाउंट में पेमेंट करते हो तो वहां पे ऑटोमेटिक एक्चुअल मालिक जो है उसका डिटेल आपको मिल जाता है। आरसी पे जो नाम होता है उसका एक्चुअल मालिक का नाम होता है, तो आप उसको भी देख करके थोड़ा समझ सकते हो कि एक्चुअल मालिक कौन है और जो आप पेमेंट जिसको कर रहे हो वो कौन है। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कि जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो बंदा एक्चुअल में मालिक है या नहीं, या फिर वो कोई थर्ड पार्टी है। तो दोस्तों आपको 3,000 रुपये कमाना है तो सबसे बड़ा तरीका है कि आप रिटर्न ट्रक को लोड करवाइए, ना कि जो आपके एरिया का ट्रक है उसको लोड करवाइए। मतलब कि अगर कलकत्ता वाले ब्रोकर को 3,000 रुपये कमाना है तो जो बॉम्बे से गाड़ी आ रही है उसी को लोड करवाना है, और वो लोड करवाना है फ्लीट ऑनर के थ्रू, तब वो 3,000 कमा सकता है। वही चीज जो विभास बैठा हुआ है बॉम्बे में, जिसके बारे में बात किया था कि वो बॉम्बे से राम प्रकाश से ट्रक लेकर के लोड करवाता है कलकत्ता के लिए, अगर उसको 3,000 रुपये कमाना है तो वहां पे उसको भी डायरेक्ट फ्लीट ओनर से बात करना पड़ेगा, चाहे वो प्रकाश से बात करे या फिर जो ट्रक कलकत्ता से, जिसका मालिक कलकत्ता में बैठा हुआ है, जो ट्रक कलकत्ता से बॉम्बे के लिए जा रहा है वहां पे उसको कलकत्ता का उस मालिक से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इस कंडीशन में आप 3,000 रुपये कमा सकते हो। दोस्तों इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन। बहुत मुश्किल है ये बिजनेस करना, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। बहुत सारे लोग आज की डेट में इस तरह से बिजनेस अपना करना स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे लोग तो इसमें सफल भी हुए हैं, अच्छा खासा आज के डेट में वो ट्रक प्लेस कर रहे हैं। और हर दिन मैं बात करूं, अगर 2-4 ट्रक भी वो प्लेस करते हैं तो अगर आप 2-4 ट्रक प्लेस करके 10,000 रुपये कमाते हो तो वही 2-4 ट्रक प्लेस करके तकरीबन 30,000 से 35,000 रुपये आराम से कमा लेते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका जहां पे कि आप बिजनेस करके बेस्ट ट्रांसपोर्ट ब्रोकर बन सकते हो और अपना बिजनेस अच्छे से चला सकते हो और अपना जो कमाई है उसको 2.5 से 3 गुना तक बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।